हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं राष्ट्र संग्रहालय, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, भारत की राजधानी में एक महान स्थल जहां आप देश और उसके इतिहास के बारे में रोचक तत्व जान सकते हैं। राष्ट्र संग्रहालय के रूप में खजाना है। यहां का टिकट प्राइस भारतीय नागरिकों के लिए ओनली 20 रुपये है और विदेशी नागरिक के लिए 500 रुपये है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, 12वीं कक्षा तक के छात्र जो हैं वो अगर आईडी कार्ड दिखाते हैं तो कोई चार्ज नहीं है, निशुल्क एंट्री है। दिल्ली में राष्ट्र संग्रहालय की स्थापना की जो रूपरेखा वो मॉरिस ग्वायर समिति द्वारा मई 1946 में तैयार की गई थी। 15 अगस्त 1949 को राष्ट्र संग्रहालय नई दिल्ली का उद्घाटन भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल श्री आर सी राजगोपालचारी द्वारा राष्ट्रपति भवन में किया गया था। नई दिल्ली का राष्ट्र संग्रहालय देश के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक है। इस संग्रहालय में कई प्रकार की रोचक चीज़ें प्रदर्शित है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन कार्यरत यह मौलाना आज़ाद रोड और जनपद के किनारे पर स्थित है और इसमें प्राग ऐतिहासिक काल से लेकर आधुनिक युग की विभिन्न प्रकार की कलाओं को प्रदर्शित किया गया है। वर्तमान में संग्रहालय में 2 लाख से ज़्यादा भारतीय और विदेशी मूल की वस्तुएं प्रदर्शित है। इसमें 2700 ईसा पूर्व के टेराकोटा और कांस्य से बनी वस्तुएं, मौर्य काल की लकड़ी की मूर्तियां, दक्षिण भारत के विजयनगर की कलात्मक वस्तुएं, गुप्तकालीन मूर्तिकला, सिंधु घाटी सभ्यता, मुगल काल, गंधर्व काल और कई अन्य समय की प्राचीन वस्तुएं प्रदर्शित हैं। संग्रहालय के अंदर ही बौद्ध कला, भारत में उत्तर प्रदेश के बस्ती से खुदाई में मिले बुद्ध से संबंधित कई वस्तुएं भी प्रदर्शित हैं। कुछ रोचक प्रदर्शित वस्तुओं में मोहनजोदड़ो की नृत्य करती हुई मूर्ति, जनजातीय कलाएं और गहने, सूक्ष्म कला की वस्तुएं, भित्ति चित्र, कपड़े, वाद्य यंत्र, हथियार और प्रसिद्ध मुगल शासन जहांगीर द्वारा हस्ताक्षरित कुछ बहुत ही प्रभावशाली यादगार वस्तुएं शामिल हैं। इस संग्रहालय में संग्रहित वस्तुएं चित्रकारी, गहनों, पुरातत्व पांडुलिपियों, हथियार और औजार जैसी कई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। पूरे 3 मंजिले पर के क्षेत्रफल पर फैले इस सुंदर संग्रहालय की वस्तुओं को देखने और प्रशंसा करने के लिए एक दिन का समय शायद ही कम पड़ेगा। संग्रहालय आम लोगों के लिए प्रतिदिन 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है और सोमवार को यहाँ अवकाश रहता है। सांस्कृतिक विरासत के महत्व की यह वस्तुएं लगभग 5000 वर्ष पुरानी हैं। जैसा हम जानते हैं, इतिहास के निर्माण में स्रोतों का बहुत महत्व होता है। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत अभिलेख, मुद्रा, सिक्के, प्राचीन स्मारक व चित्रकला आते हैं। पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छुपी हुई सामग्रियों की खुदाई कर प्राचीन काल के लोगों के भौतिक जीवन का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्राचीन इतिहास के ज्ञान के लिए पुरातात्विक प्रमाणों से बहुत अधिक सहायता मिलती है। यह साधन अत्यंत प्रमाणिक हैं तथा इनसे भारतीय इतिहास के अनेक अंध युगों, डार्क एजेस पर प्रकाश पड़ता है। मुख्यतः इतिहास को समझने के लिए इतिहास को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। इतिहास को समझने जानने के लिए राष्ट्र संग्रहालय में पाषाण काल से संबंधित स्रोत उपलब्ध हैं। इसी प्रकार से क्रमानुसार हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्रोत, मोहनजोदड़ो सभ्यता से संबंधित स्रोत, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, जैन और बौद्ध धर्म से संबंधित जानकारियां, सांची स्तूप से संबंधित साक्ष्य, मौर्य साम्राज्य, सातवाहन युग, कुषाण, गांधार व मथुरा शैली से संबंधित साक्ष्य, गुप्तकालीन कलाओं के बारे में, हर्षवर्धन काल के बारे में से संबंधित, दक्षिण में चोल, चेर, पांडाय से संबंधित अवशेष, राजपूतों का उदय से संबंधित साक्ष्य और अरब का उदय, सिंध से संबंधित जानकारियां, भक्ति और सूफी
के बारे में विजयनगर अफगान मुगल सभी के प्रमाण और साक्ष्य देख सकते हैं। दिल्ली में नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान समय में तो क्लास 11th तथा क्लास 12th आर्ट्स के छात्रों को तो भारतीय कला का इतिहास एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में एक अलग से बुद्ध गैलरी से संबंधित ब्लॉक बना हुआ है, जिसमें बुद्ध से संबंधित संपूर्ण जानकारी उपलब्ध है। बुद्ध गैलरी में बुद्ध का पूरा जीवन परिचय, उसके जन्म से लेकर शिक्षा, विवाह, ज्ञान प्राप्ति तक की, उनकी मृत्यु तक का पूरा विवरण उपलब्ध है। भारत कला में बुद्ध का योगदान, बुद्ध से संबंधित जातक कथाएं, प्रतीक और बोधसत्व की जानकारी मिलती है। बुद्ध डिजिटल रूप में बुद्ध का पूरा जीवन विवरण उपलब्ध है। बुद्ध से संबंधित अवशेष पूरे एशिया में किस तरह से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ है, इसको भी दिखाया गया है। दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय से दर्शकों को भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास, परंपरा और कला का आमूल अनुभव प्राप्त होता है।